Sponsored by Call Bharat, the leading digital marketing company in India. बाराबंकी में कोरोना के कहर के चलते लगातार फिर से मौतों का सिलसिला जारी। कृषि विभाग में तैनात एक महिला कर्मी समेत चार की हुई मौत। 540 और नए मामले आए सामने। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 43। कोरोना महामारी के काल में लगातार मौतों के सिलसिलों के साथ कलेक्टिव केसों का आंकड़ा पहुंचा 3,598। कोरोना काल में ज्यादा लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और विभागों में तैनात कर्मी ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग और कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की मौतों के बाद आखिर क्यों की जा रही है लापरवाही? नवभारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला। नजरिए से कौन नेता हो सकता है? वर्तमान परिदृश्य में इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी में वो छवि दिखाई दे रही है जो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है और कड़े निर्णय जिस तरह के नेता जी चाहते थे कि बिना आज के दौर में जैसे वोट बैंक की प्राथमिकता देखते हुए लोग निर्णय लेते हैं, कड़े फैसलों से बचते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी में ये साहस है कि बिना वोट बैंक की परवाह किए देश हित में और जनता के हित में कठिन फैसले लेने में सक्षम है। तो हम उनमें ही नेताजी की छाया देखते हैं और देश को उनके हाथों में सुरक्षित मानते हैं।